हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ नॉन वेटेड कोड जैसे ग्रे कोड के बारे में और ग्रे कोड को बाइनरी कोड में या बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्जन कैसे करते हैं, आज हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले देखें ग्रे कोड है क्या। ग्रे कोड 1953 में इन्वेंटेड एक कोड है जिसे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है। तो यह एक ऐसा कोड है जिसमें हर कंसेक्यूटिव डिजिट में सिर्फ एक ही चेंज आते हैं और यह नॉर्मली यूज होता है डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन में। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, हर एक अगला जो डिजिट होता है उसमें सिर्फ एक बिट में ही चेंज आता है। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जीरो जीरो का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जीरो जीरो जीरो, और वन का रिप्रेजेंटेशन जीरो जीरो वन, यानी चेंज कहाँ आ रहा है, सिर्फ एक बिट में। इसी तरीके से टू का रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखें तो वन जीरो नहीं होके इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वन वन, यानी यहाँ सिर्फ चेंज कहाँ आया, जीरो में, और नेक्स्ट यहाँ आया वन में, यानी एक बिट में ही कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इसको और आगे देखते हैं डिटेल में। जैसे जीरो, डेसिमल डिजिट जीरो का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं, जीरो 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 जीरो। इसी तरीके से वन से लेकर टेन तक कोई भी डेसिमल डिजिट का आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ ग्रे कोड में देखें और बाइनरी में देखें तो एक फर्क देखने को मिलेगा। बाइनरी में जैसे वन और टू में अगर हम कंपेयर करें तो कितने चेंज हैं, इस बिट में भी चेंज है, जीरो चेंज हुआ किस में, वन में, और वन चेंज हुआ किस में, जीरो में, यानी दो चेंजेस हमें देखने को मिले। अगर जीरो वन में देखें तो सिर्फ एक ही चेंज है, लेकिन वन और से टू पर अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ दो चेंज देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम थ्री और फोर को कंपेयर करें तो इस बिट में भी चेंज है, इस बिट में भी चेंज है, और इस बिट में भी चेंज है, यानी तीन चेंज हमें बाइनरी में मिल रहे हैं। जबकि ग्रे कोड में देखें तो हर अगले नंबर में हमें सिर्फ एक चेंज मिलेगा। जैसे यहाँ देखें तो सिर्फ ये बिट दोनों में चेंज है, जीरो एंड वन में, और वन टू में कंपेयर करें तो सिर्फ ये बिट चेंज है। अगर टू और थ्री में कंपेयर करें तो सिर्फ ये बिट चेंज है, थ्री और फोर में कंपेयर करें तो यहाँ एक बिट चेंज है, फोर एंड फाइव में सिर्फ एक बिट, वन बिट चेंज है। तो इस तरीके से ग्रे कोड को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, जहाँ हर कंसेक्यूटिव नंबर में सिर्फ एक बिट का ही चेंज आता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो किसी भी बाइनरी को नंबर को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसका मेथड देखने जा रहे हैं ताकि आप निकाल सकें कि बाइनरी नंबर अगर हमारा ये है तो उसका ग्रे कोड कन्वर्जन क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हमने देखा था जो लेफ्ट साइड का, सबसे लेफ्ट साइड का जो बिट होता है वह क्या कहलाता है, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो उसको एज इट इज ग्रे कोड में कॉपी कर लिया जाता है। फिर जो अगला बिट होता है उसको ऐड किया जाता है, पहले बिट और दूसरे बिट को आपस में ऐड किया जाता है। अगर उसमें कैरी आ रहा है तो उस कैरी को इग्नोर करते हैं और उसका रिजल्ट नीचे लिख देते हैं। यह प्रोसेस चलता जाता है MSB से लेकर कहाँ तक, LSB को। अब अगर एग्जांपल देखें, मान लीजिए इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रे कोड में, बाइनरी नंबर है, इसको हमें कहाँ लाना है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करके लाना है। अब इसे एक एग्जांपल से समझें। जैसे हमारा क्वेश्चन ये था कि इसे कन्वर्ट करना है किसे, ग्रे कोड में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है बाइनरी नंबर, ये हमारा है बाइनरी नंबर और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रे कोड में। यहाँ हमें ग्रे कोड में रिजल्ट लाना है। तो इसमें पहला स्टेप हमने क्या देखा था कि MSB को हम एज इट इज कॉपी कर रहे थे, यानी ये वन कॉपी हो गया, बाइनरी का जो MSB है उसको एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। अब फर्स्ट बिट को हम किससे
ऐड करने जा रहे हैं अगले बिट से, यानी ये क्या करेंगे 1+1। यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बाइनरी एडिशन के रूल को फॉलो करना है। बाइनरी एडिशन का रूल क्या होता है, 0+0=0। एक्चुअली बाइनरी एडिशन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। फिर भी आप इस रूल को अभी फिलहाल के लिए याद रखें, 0+0=0, 1+0=1, 1+1=0, and carry 1। यानी यहाँ क्या होगा, कैरी जनरेट होगा। ये हो गया हमारा कैरी 1, यानी इस कैरी को हमें इग्नोर करना है। अगर 1+1 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। तो जैसे यहाँ इस एग्जांपल में देखें, 1+1 हमने किया तो ये क्या आया, 0। तो हमने 0 लिख दिया, लेकिन 1 क्या होना चाहिए, आगे कैरी होना चाहिए, जो इसमें इस कन्वर्जन में हम नहीं करेंगे। फिर अगला हम देखें तो अगला बिट क्या है हमारा, 1+0, यानी इस बिट को अगले बिट से ऐड करेंगे। तो 1+0 क्या आया, 1। फिर 0+0=0, and 0+1, इन दोनों बिट को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आया, 1। फिर 1+0=1, 0+1=1, and 1+0=1। तो ये हमारा ग्रे कोड में कन्वर्जन हो गया। तो स्टेप क्या था हमें ध्यान रखना है, पहला कि MSB बिट को एज इट इज कॉपी कर देना है, फिर इन बिट को आगे बढ़ते जाना है और अगले बिट से ऐड करते जाना है। बाइनरी एडिशन का रूल फॉलो करेंगे, 1+1 0 होता है प्लस कैरी 1, तो कैरी नहीं करना है, उसे इग्नोर करना है और आगे इस तरीके से बढ़ते जाना है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया ग्रे कोड में। इसी तरीके से इस एग्जांपल में देखें तो हम, ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट है और ये हमें कन्वर्ट करके किस में लाना है, ग्रे कोड। तो बाइनरी बिट एमएसबी बिट क्या है, 1, तो 1 को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। फिर 1+0, 1, then 0+0, 0, then again 0+0, 0, 0+1, 1, 1+1, 0, and carry 1, carry को इग्नोर करेंगे। फिर 1+1, 0, 1+0, 1, यानी इस तरीके से यह ग्रे कोड कन्वर्जन हमारा हो गया। तो ये दो एग्जांपल थे हमारे बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन के। अब अगर ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वह कन्वर्जन कैसे होता है, चलिए उसके रूल्स देखते हैं। तो इसमें क्या है, वापस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको वापस से कैरी करना है, हमें कॉपी करना है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या था हमारा, लेफ्ट मोस्ट बिट जो भी है ग्रे कोड का, उसको एज इट इज बाइनरी कोड में कॉपी कर लेना है और फिर वह जो बिट आ रहा है उसको ग्रे कोड के अगले बिट से ऐड करना है। यह प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हम LSB तक नहीं पहुंच जाएं। तो इस एग्जांपल को हम चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यह एग्जांपल आया, पहला स्टेप क्या था, ये हमारा है ग्रे कोड और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो पहला हमारा एमएसबी क्या था, 1, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम एज इट इज कैरी करेंगे या कॉपी करेंगे और इस 1 को वापस अगले बिट से ऐड करेंगे, यानी किसको ऐड करेंगे, 1+0। तो 1+0 क्या आया रिजल्ट हमारा, 1। अब वापस इस 1 को अगले बिट से ऐड करेंगे तो 1+0 again 1 then 1+1 0, और कैरी को जैसे हमने पहले इग्नोर किया था, कैरी को इग्नोर करना है, देन 0+1 1
देन 1 प्लस 0, 1, देन 1 प्लस 1, 0 एंड कैरी, 1 कैरी नहीं करेंगे, देन 0 प्लस 1, 1. तो यह हमारा रिप्रेजेंटेशन आ गया किसमें, बाइनरी में, 1 1 1 0 1 1 0 1, ये रिप्रेजेंटेशन है किसमें, बाइनरी में. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. अब अगर हमें ग्रे कोड का एक नंबर है 1001001, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में. तो हमने वापस उस ग्रे कोड के नंबर को लिख लिया और इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में. एमएसबी को हमने कॉपी किया, तो एमएसबी को कॉपी किया तो क्या आ गया, 1, देन 1 प्लस 0, 1, देन 1 प्लस 0, 1, देन 1 प्लस 1, 0 एंड कैरी, 1 कैरी ऐड नहीं होगा, देन 0 प्लस 0, 0, देन अगेन 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0, 0 और 0 प्लस 1, 1. तो ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया ग्रे कोड में. अगर आप इसका उल्टा भी करके देखना चाहते हैं, इस बाइनरी नंबर को लिखें और इसको वापस ग्रे कोड में कन्वर्ट करके देखें ये सेम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं. अब मैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसमें बाइनरी से ग्रे कोड में भी कन्वर्ट करना है, साथ ही ग्रे कोड से बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है. आप इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, इसका आंसर मैं देती हूँ. वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें. अब आप आंसर मैच कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. कहीं भी कोई डाउट हो तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं. और यह कन्वर्जन और ग्रे कोड अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें. थैंक यू.